आप सबका, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी जनाब, आज की मॉर्निंग हो चुकी है। नाश्ता मेरा जो है डॉन पराठा अंडा और साथ चाय, यही वाला नाश्ता है। गला अभी तक ख़राब है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी कि गला जो है ना मेरा वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये गला और ज़ुकाम को ठीक होने का जो टर्न्योर है ना वो ऑलमोस्ट 3 दिन है। ये एक दिन से स्टार्ट होता है, फिर सेकंड डे ज़रा एक्सट्रीम पे होता है, और थर्ड डे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो आज मेरा थर्ड डे है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि रात तक जो है ना गला मेरा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ये इसको देखिए ज़रा, मोहम्मद आराम से अपने कार्टून देख रहा है। पहले वैसे ये देखता होता था कोको मेलन, लेकिन अब इसने कोको मेलन चेंज कर दी है। अब ये आ गया कैंट दी एलिफेंट। ये वाले कार्टून देखता है, वैसे ये वाले भी अच्छे हैं। तायरा काम करके तो जा चुकी है, पर मेरे कमरे का ज़रा हाल देखें। उफ़ मेरे अल्लाह, क्या बना हुआ है। इसको मैंने भी ठीक करना है, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो साफ़ करके जाती है ये फर्श वगैरह। उसके बाद की जो सफाई है वो सारी मैंने खुद करनी होती है, अपने सारे रूम को मैंने ठीक करना होता है। तो ये वाला मेरा काम रहता है, बस अब जल्दी से मैं ये वाला काम करती हूँ। रूम मैंने ठीक कर लिया है, अपना सारा साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन अब देखना ये कि कितनी देर तक साफ़ रहता है, क्योंकि मेरे जो माशाल्लाह बच्चे हैं ना वो, हालांकि उनका अपना रूम है, पर उन्होंने लेटना और सोना जो है ना वो मेरे कमरे में ही होता है। ये मुझे लगता है कि सारे बच्चों के साथ ही मसला है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, उनको रूम दे दें, एक दे दें, दो दे दें, पर उन्होंने रहना माँ के कमरे में ही होता है। और जी तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं कि जी सहर मिर्ज़ा, जो कि जन्नत मिर्ज़ा की सिस्टर हैं, आप लोगों को पता है कि उनकी शादी कंटिन्यू हुई भी है। मैं कहती हूँ कि 8-9 दिन हो गए हैं भाई, ऐसा उन लोगों ने पूरी पाकिस्तानी आवाम को क्या सबको ही पागल बनाया हुआ है, जिसकी कोई हद नहीं। हर बंदा व्लॉग्स देख रहा है, हर बंदा शादी देख रहा है। इतना पैसा खुल के खर्च किया हुआ है कि वो, जिसे कहते हैं ना अंधा पैसा, मतलब एक अगर आपने एक मुश्किल तरीके से और एक हलाल तरीके से पैसा कमाया हुआ होता ना, तो उसको खर्च करते हुए तकलीफ़ होती है आपको। लेकिन इन माँ बेटियों ने शादी में जितना ख़र्चा किया, मैं कहती हूँ जिस तरह के इनको पैसे की कोई वैल्यू कोई कदर है ही नहीं। सब ने गोल्ड की ज्वेलरीज पहनी है, ब्राइडल ड्रेसेस सब ने पहने, और एंड में हुआ क्या? चलो ठीक है, कर लिया तुमने इतना खर्चा, लाखों करोड़ों रुपए तुम लोगों ने शादियों पे लगा दी, अपने एक शादी पे लाखों करोड़ों लग गया है, इसके बावजूद दूल्हा जो था वो शादी में आया ही नहीं, शादी में मौजूद ही नहीं था। ये किस किस्म की शादी हुई है? अगर आप लोगों ने खाली सिर्फ निकाह ही करना था तो आप वो सादगी से भी तो कर सकते थे ना, लोगों को बताने की और लोगों को जो है इतना अपने पैसे का शो ऑफ़ करने की ज़रूरत क्या थी? ये शो ऑफ ही है, आप यकीन करें, जिससे हमारे मुल्क की जो बेटियां बहनें हैं ना वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होती जा रही हैं। और फिर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर क्या करती हैं, वो गलत साइड पर चल पड़ती हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ती हैं। आजकल बेराहरवी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? क्यों हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन जो है वो बुराई की तरफ जाता जा रहा है? हमारी लड़कियाँ हमारे लड़के बुराई की तरफ जाते जा रहे हैं, उसकी वजह ये टिकटॉकर्स और ये सब लोग ही हैं जिन्होंने इतना अंधा पैसा दिखा दिखा के लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ है। ठीक है शादी होगी, लेकिन कम से कम अब तुमने इतना पैसा खर्च किया तो थोड़ा सा पैसा और खर्च करके उस लड़के को भी बाहर से बुला लेते हैं। पता नहीं बीच में स्टोरी क्या है, क्या चीज़ है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल इन लोगों का बहरहाल हमारी सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस है, इसलिए तो इनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। बहुत बुरी चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इसको हमें जितना कंडेम हो सकता है उतना कंडेम करना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी इनकी वीडियोस वगैरह जो है ना इनको देखने से मना करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को और एक्टिविटीज़ को हमें जो है ना बहुत ज़्यादा इसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। मुझे यकीन है कि आप लोग जो है ना मेरी बातों से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करेंगे। तो जो चीज़ सादगी में हो उसमें खूबसूरती भी उतनी ज़्यादा होती है और पायदारी भी उसमें इतनी ज़्यादा ही होती है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को समझेंगे, क्योंकि नज़र फिर भी बरहक है ना। जी जनाब, मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले चावल। तो मैंने कहा साथ साथ इजी से इसकी रेसिपी है ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को, या फिर जो अभी न्यू बिगनर्स हैं, जो लड़कियाँ भी या बच्चियाँ अभी सीख रही हैं कुकिंग, उनके लिए जो है ना ये एक अच्छी वीडियो होगी। आलू वाले चावल या तहरी हम जिसको कहते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे
सबसे पहले हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। जी प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करनी। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और मसाले हमारे जो भी हैं। एक टमाटर ऐड किया मैंने। मसाले ऐड करने लगी हूँ ज़ीरा पाउडर और हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी ताकि आलू वाले चावल हैं तो उनका कलर जो है ना ताकि अच्छा आ जाए। ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के हल्दी, ठीक है, यानी ये टीस्पून के बराबर ही है। मिर्चें आप लोगों ने रखनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन बच्चों ने खानी है इसलिए मैं हाफ टी स्पून डाला है मैंने मिर्चें, लाल मिर्चें, और 1 चम्मच भर के नमक। इसकी अब हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है। मसाला देखें जी हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है ना। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं आलू, ये तकरीबन 3 से 4 आलू हैं, थोड़े से बड़े बड़े मोटे, यानी कि नॉर्मल एक मीडियम साइज का पीस करके हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। इसके भी हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है। बिल्कुल सादे से ही आलू वाले चावल हैं, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है और योगर्ट के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी ताकि आलू जो है ना वो गल जाए। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि आलू जो है ना हमारे वो अच्छे तरीके से गल जाए। जी ये देखिए ऑलमोस्ट 1/2 ग्लास पानी मैं इसमें और ऐड करने लगी हूँ। ये बस अब इसको कवर कर देंगे जब तक कि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाते, और फिर बाद में हमने इसमें सिर्फ चावल ही ऐड करने हैं। नमक और नमक मिर्च वगैरह चेक करके आलू हमारे अच्छे तरीके से जो है ना वो गल चुके हैं। ये देखें बस अब हमने इसमें ऐड करने हैं चावल जो कि मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे से भी भिगोए हुए थे, और इसको हमने दम लगा देना। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमने चावल डाले तो उसमें पानी कितना होना चाहिए। पानी आपने इतना होना चाहिए कि उसमें चावल डूब जाए, मतलब कि इतना आपका, ये देखिए इतना जो है ना पानी, इतना ये एक पोर जितना, इतना पानी ऊपर होना चाहिए ताकि इसमें फिर चावल जो है वो खुल के पकते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक और ऐड किया। बस अब इसको दम पे लगा देंगे और हमारे आलू वाले चावल तैयार हैं। जी ये है आलू वाले चावलों की फाइनल लुक। साथ मैंने काटी हुई है प्याज और मज़े मज़े की दही है, मज़े मज़े के चावल, सिंपल एंड अच्छा सा खाना है ये। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कल के व्लॉग के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।